सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 0 वर्ष से लगाकर 2 वर्ष की है, तो आपने जरूर से देखा होगा जब भी उस बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो वो अचानक से रोना शुरू कर देता है। वह यह नहीं बता सकता उसको क्या समस्या हो रही है। साथ ही कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 वर्ष से लगाकर 5 वर्ष की है, तो वो ये बता पाएगा उसको क्या समस्या हो रही है। परंतु ऐसी स्थिति में आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। और कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बच्चे को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो पाता। अगर ऐसी स्थिति में हमारे पास कई महत्वपूर्ण दवाइयां जो बच्चों के लिए ज़रूरी है वो हो, या उसकी हमारे पास जानकारी हो, तो बच्चे को एक बार आराम दिलाया जा सकता है, उसके बाद में डॉक्टर को बताया जा सकता है। इस वीडियो में मैं ऐसी ही 6 महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिसका आपके घर पर होना बहुत ही आवश्यक है, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो। वे दवाइयाँ क्या है, किन किन स्थितियों में उसका प्रयोग लिया जाता है, कितनी मात्रा में बच्चे को दी जाती है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे पूरी जानकारी इन सभी दवाइयों के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बच्चों में सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वह होती है पेट दर्द की। और बच्चों में जो पेट दर्द होता है, पेट में गैस बन जाने के कारण, दूध या खाना नहीं पचने के कारण ज़्यादातर देखी गई है। और यदि कोई बच्चा है जो माँ का दूध पीता है, तो माँ कई बार अगर आलू, बैंगन, बेसन या मूली, किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ खा लेती है, तो उससे भी बच्चे का पेट दर्द हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब जो छोटा बच्चा होता है 0 वर्ष से लगाकर 6 महीने का, तो वो अपने पाँव पेट की तरफ मोड़कर रोने लगता है। ये रोना लगातार भी हो सकता है, रुक रुक कर भी रो सकता है। तो ऐसी स्थिति को हम पेट दर्द कहते हैं। उस स्थिति में जो दवाइयाँ दी जाती है वो सबसे प्रमुख दवाई है कोलीमैक्स ड्रॉप, और इसके साथ है कोलिकेड ड्रॉप। ये दोनों दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दी जाती है यदि बच्चे को पेट दर्द होता है, तो ये दवाइयाँ देके ठीक किए जा सकते हैं। हालांकि इन दोनों ही ड्रॉप का जो कॉम्पोजिशन है बिल्कुल अलग है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परंतु ये दोनों ही दवाइयाँ पेट दर्द को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद है। कितनी मात्रा में ये दोनों दवाइयाँ देनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले, दोनों में से कोई एक देनी है, दोनों नहीं देनी है। कितनी मात्रा में देनी है, यदि बच्चे का उम्र 0 वर्ष से लगाकर 3 महीने की है, तो उसे 1 बूंद से लगाकर 4 बूंद दी जा सकती है। किसी बच्चे का उम्र जो है 4 महीने से लगाकर 1 साल का है, तो उसे 5 बूंद से लगाकर 10 बूंद तक ये ड्रॉप दी जा सकती है। और बच्चे की अगर उम्र 1 वर्ष से ज़्यादा है, तो उसे 1 ml जो इसके साथ ड्रॉपर आता है पूरा भर के दिया जा सकता है, और बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग डोज दी जाती है। और इस तरह से ये डोज देके बच्चे के पेट दर्द को एक बार रोका जा सकता है। दूसरी जो दवा है वो है स्पोरलेक पाउडर। यह पाउडर जिसमें कि लैक्टिक एसिड बेसिलस कंपोजिशन होता है, यह मुख्यतः उस समय दिया जाता है जब बच्चे को दस्त लगती है या उसको बार बार पोटी लेटरिंग आती रहती है, उसको दूध नहीं पचता हो, तो ऐसी स्थिति में यह स्पोरलेक पाउडर बच्चे को दिया जाता है। कितनी मात्रा में दिया जाता है वो मैं बता दूं। यदि किसी बच्चे का उम्र 0 वर्ष से लगाकर 6 महीने का है, तो स्पोरलेक पाउडर का जो सेचेट आता है वो आधा सेचेट सुबह, आधा सेचेट शाम को दूध या पानी में घोल के दिया जाता है। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा है, तो एक एक सेचेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आवश्यकता अनुसार उसको दिया जा सकता है। अगली जो दवा है वो है पैरासीटामोल। इसे आप सभी भली भांति परिचित हैं, जो बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पैरासीटामोल ड्रॉप और सिरप दोनों में आपको मिल जाती है। जब भी बच्चे को बुखार हो, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिले, तो आप उसे दे सकते हैं। यदि किसी बच्चे को घर में खेलते समय किसी प्रकार की चोट आ गई हो, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी यह दिया जा सकता है। पैरासीटामोल की क्या डोज दी जाती है, तो प्रति किलोग्राम अगर डोज की बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम डोज दी जाती है। यदि किसी बच्चे का वजन अगर 2 किलो है, तो उसको 30 mg पैरासीटामोल ही दिया जाएगा। और जो पैरासीटामोल की ड्रॉप और सिरप आती है, अलग अलग पैकिंग में आती है। जैसे जो ड्रॉप आएगी 125 mg पैरासीटामोल प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में, तथा 250 mg पैरासीटामोल प्रति 2 ml की स्ट्रेंथ में अलग अलग आती है। और ऐसे ही सिरप भी 125 तथा 250 mg प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में आती है। वो आप कैलकुलेट करके बच्चे को दे सकते हैं। अगली जो सिरप है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिरप है, वो है सेट्रिजिन सिरप और सेट्रिजिन ड्रॉप। जो सबसे पॉपुलर ब्रांड मार्केट में इसका अवेलेबल है, वो है जिरटेक। इसे आप अपने घर पे ज़रूर से रखें। जब भी बच्चे को छींके आए, उसको खांसी हो जाए,
नाक बहुत ज़्यादा पानी बहने लग जाए, आँखों में उसको पानी बहने लग जाए, किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, जैसे छोटी छोटी पुंछियाँ हो जाना, खुजली चलना, रेडनेस होना, तो उस समय यह जो दवा है बच्चे को दी जा सकती है। और छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है जब भी उसको हम छूते हैं, बार बार अगर गाल पे छूते हैं तो उस जगह पे उसको रेडनेस होने लग जाता है, तो उसके लिए भी यह जो सेट्रिजिन दवा है बहुत ही अच्छी दवा है। तो उस समय यह जो दवा है आप दे सकते हैं। कितनी मात्रा में देना है तो इसकी जो डोज रहती है प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग 0.25 मिलीग्राम प्रति केजी पर डोज रहती है। यदि किसी बच्चे का वजन मान लेते हैं 10 किलोग्राम का है तो उसे 2.5 मिलीग्राम सेट्रिजिन दिया जाएगा, एक बार दिया जाएगा, सामान्यतः एक डोज ही होती है, उसके बाद आवश्यकता होने पर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगली जो दवा है वह है डोमपेरिडोन ड्रॉप तथा डोमपेरिडोन सिरप, जो आपको ज़्यादातर डोमेस्टाल नाम से मिल जाती है। इसका प्रयोग बच्चों में उस समय लिया जाता है जब बच्चे को उल्टी होती है, उसको ऊब के आते हैं, साथ ही दूध पिया हुआ उसके मुंह में वापस आ जाता है, तो इस स्थिति पे जो डोमपेरिडोन है यह बच्चे को दी जाती है। कितनी मात्रा में देनी होती है, यह अगर बच्चे की उम्र 0 वर्ष से लगाकर 6 महीने की है तो उसे 0.5 ml मतलब 5 से 6 बूंद के लगभग दी जाएगी, और बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो उसे 1 ml पूरी जो ड्रॉपर साथ में आता है उसके वो दिया जा सकता है। जो 6 नंबर की दवा है वह दोस्तों एक नेजल ड्रॉप है, यह सलाइन नेजल ड्रॉप है जिसे आप सभी नेजो क्लियर के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है बच्चे अगर आपके घर में छोटे हैं और सर्दियों का मौसम है जैसा कि अभी चल रहा है तो उस समय होना, क्योंकि जब भी सर्दियों का मौसम होता है तो बच्चे के को जुकाम लग जाता है जिससे कि बच्चे का नाक बंद हो जाता है, नाक में बहुत ज़्यादा पानी बहने लग जाता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में बच्चा ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाता। अगर सांस नहीं ले पाने की स्थिति में वो नींद भी नहीं ले पाता, बहुत परेशान हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि जो सलाइन नेजल ड्रॉप है बच्चे के नाक में डाली जाए तो नाक पूरी तरह से खुल जाता है, वो आराम से सांस लेगा और नींद ले पाता है। कितनी ड्रॉप डालनी है तो बच्चे को आप 2 ड्रॉप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दोनों नेजल्स में डाल सकते हैं, इससे बच्चे का नाक खुल जाएगा और उसके बाद डॉक्टर को बता सकते हैं। तो ये 6 दवाइयाँ मैंने टोटल आपको बताई है जो आपके घर पे होना बहुत ही आवश्यक है। अगर रिकॉल करें तो सबसे पहले पेट दर्द की कोलीमेक्स तथा कोलिकेड, दूसरी जो दवा है बच्चे की दस्त के लिए स्पोरोलेक पाउडर, तीसरी दवा पैरासीटामोल जो बुखार और दर्द के लिए, चौथी दवा सेट्रिजिन सिरप जो एलर्जी तथा जुकाम के लिए, पांचवी दवा डोमपेरिडोन जो उल्टी के लिए, तथा 6ठी दवा है सलाइन नेजल ड्रॉप जो कि बच्चे के नाक बंद होने पर दी जाती है। ये दवाइयाँ आप अपने घर पर ज़रूर रखें, बहुत आवश्यक होने पर बच्चे को दें जिससे कि एक बार उसको आराम मिल जाए और उसके बाद में डॉक्टर से मिले जैसे कि आगे का ट्रीटमेंट आपको दिया जाए। दोस्तों यह वीडियो देखकर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट बच्चे का नहीं कर सकते, खाली फर्स्ट एड के तौर पर मैंने आपको बताया जिससे कि एक बार बच्चा आराम मिल सके। और इसी के साथ पूरी जानकारी हमने इन सभी दवाइयों के बारे में जान ली है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को रेड बटन दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।